हेलो गाइस, आज हम दशम श्रेणी ज्योग्राफी पढ़ा। दशम श्रेणी ज्योग्राफी में आम मृतिका विषय सॉइल विषय पढ़ुले भारतीय कृषि गवेषणा परिषद मृतिका को गठन रंग वैधता इत्यादि गुणावली दृष्टि विभिन्न भाग विभक्तिकरण विभक्तिकरण कर भाग विभक्तिकरण कर पटु मृतिका, लोहित मृतिका, कृष्ण मृतिका, लैटेराइट मृतिका, पार्वतीय मृतिका, अरण्य मृतिका, मरुस्थल मृतिका, लुण क्षारिय मृतिका, पीठ व जलाभ मृतिका, एमती नौ भाग मृतिका को विभक्त कर। आज आम यही मृतिका संबंध में मृतिकार जो समस्या गुड़िक अच्छी से समस्या गुड़िक संबंध में पढ़ा। भारत में मृतिका संबंधी समस्या, भारत में मृतिका संबंधी समस्या गुड़िक हूँ मृतिका क्षय, उर्वरता ह्रास, मरुकरण, जो जलबंदी, लवणता वृद्धि, क्षारत्व वृद्धि, बर्ज्यभूमि, जो नगरीकरण, परिवहन विकास, मनुष्यकृत जो प्रतिबंधक, एमती अनेक गुड़े समस्या रही। ये गुड़िक सब बृहत बृहत समस्या आम खाली पढ़ी देखिए सामान्य भाविकी ता नुहे। मृतिकार उर्वरता ह्रास होगा, मृतिका क्षय होगा, आउ मरुकरण होगा, जलबंदी होगा, किंबा लवणता बा क्षारत्व इत्यादि वृद्धि पाइबा, बर्ज्यभूमि इत्यादि बढ़िबा, लोक मानक द्वारा मृतिका क्षय वृद्धि होगा, जमीक रास्ता घाट नगरीकरण जो परिवहन पथ निर्माण बा विकास मनुष्यकृत जो प्रतिबंधक मान देखा मिले। ये सब गोटे गोटे समस्या, ये समस्या समाधान पर आम आज एठारे पढ़ा कौन सब समस्या समाधान हो पारे जहाँ आग देखा केमती क्षय होपृष्ठर उपरी भाग में या मृतिका बृष्टिपात जलप्रवाह वायुप्रवाह आगर भी सब संबंध में आलोचना कर समुद्र तरंग वायुप्रवाह जलप्रवाह हिमपात इत्यादि द्वारा एवं प्राकृतिक ये गुड़ा सब प्राकृतिक मनुष्यकृत कारण जमीक आम पढ़ते पशुचारण व मनुष्य मान कार्यकलाप जो क्रमश मृतिका क्षय समस्या देखा मिलता है। यही प्रक्रिया को मृतिका क्षय व सोयलेसन कह जाए आम पूर्व मुझे प्रथम पढ़ाई थी मृतिका संबंध में से व्याख्या करी प्राय मन थोड़ा तुम्हें देखे से भिड जापर जनसंख्यार द्रुत अभिवृद्धि विस्तारित नगरीकरण परिवहन पथ निर्माण अरण्य क्षय अत्यधिक पशुचारण पतित भूमि अधिक परिमाण में वृष्टिपात प्रभृति मृतिका क्षयर एगुड़ाक सब मुख्य मुख्य कारण आम पूर्व आलोचना कले। हिमालय पर्वत श्रेणीर दक्षिण पार्श्व आसाम और अन्यान्य उत्तर पूर्व राज्यगुड़ राज्यगुड़ पार्वतीयांचल पूर्वघाट और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणीर विभिन्न अंचल आम जानते प्रचुर परिमाण में सब अंचल मान वृष्टिपात हुए वार्षिक 250 सेंटीमीटर रु अधिक वृष्टिपात ये सब अंचल मान देखा मिले। तेणु यही अंचल मानक मृतिका क्षय एक मुख्य समस्या, खास करके पार्वती अंचल मानक मृतिका क्षय होवार मुख्य कारण है हिमवाह एवं वृष्टिपात बा नदी, यही सब द्वारा मृतिका क्षय अधिक होता है। तो प्रति वर्ष लक्ष लक्ष टन उर्वर मृतिका कौन हुए क्षय हुई समुद्र मुहाण निकट में आसिक पतित हुए पड़े कि जो नदी अवबाहिका अंचल मानक आसिक पतित हुए पड़े। तेणु नदी उपकूलवर्ती अंचल मानक प्रति वर्ष कौन देखा मिले खाद देखा मिले उर्वर पटमूर्तिका देखा मिलता है। सो सहीपरि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में बहुत गुड़े मृतिका क्षय वृष्टिपात द्वारा देखा मिले, जल प्रवाह द्वारा देखा मिले बा जल प्रवाह कह वृष्टिपात द्वारा जो जल निष्कासित हुए से जल प्रवाह द्वारा बा नदी मान द्वारा हो कि जल क्षय हो जा द्वारा हो द्वारा मृतिका क्षय देखा मिलता है। अंपक्ष स्वल्प वृष्टिपात जो भारत उत्तर पश्चिमांचल मरुकरण देखा मिली मरुभूमि सृष्टि आम मरुभूमि किपर सृष्टि हुए विषय आलोचना करें जदि मन थी भागुची तुम्हें मैंने उपलब्धि करे स्वल्प वृष्टिपात पूर्ण अंचल वृष्टि होल मानक मृतिकार मृतिका शुष्कता धारण कै शुष्कता हो सारापर ताऊपर फाट मान सृष्टि हुए और धीरे 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 से फाटिकी खंड विखंडित हो कि बालिकरटार परिणत होता है। तेणु से अंचल मरुकरण में परिणत होता है। तो से विषय आ मरुभूमि सबुठ अधिक क्षयकारी शक्ति है मृतिकार किए पवन
तो लोएस सृष्टि हेबा तुम पढ़ल मन थी पटिमूर्तिकार लोएस कथा कही थी से समय से निश्चित भाव मन पकई पार यही प्रकार मृतिका क्षय राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा मध्यप्रदेश आदि राज्य वृक्षलतार स्वल्पता जो ही होता है वृष्टिपात कम जो होता है भारत समुदाय आयतन शतकड़ा प्राय एक भाग अंचल प्रति वर्ष कौन होता है मृतिका क्षय होता है प्रति वर्ष एक भाग अंचल प्रभावित होता मृतिका क्षय तेणु पिलाए जल द्वारा जल प्रवाह द्वारा मृतिका क्षय तीन प्रकार होता है मृतिका क्षय कौन ना पृष्ठ मृतिका क्षय साधारण भाव प्रत्येक स्थान में होता है आउ गोटे होता है अंगुली आकृतिर मृतिका क्षय धरा क्षय जेको रेल एरिसन कहुए ये जो ए गुड़िक साधारण पार्वती भूमि मानक हुए आउ गोटे गर्त क्षय गली एरिसन तीख पहाड़ व आग्रही मानक तुम सब ओभाल देखि पंचम श्रेणी पढ़ी ओभाल से ओभाल जो अच्छे से गर्त क्षय चूना पथर मान जो थाए से मृतिका क्षय होते कौन जो अदृश्य उपत्य सृष्टि कै अदृश्य नदी मान जाए से जो ओभाल देखा जाए से गुड़ा साधारण यही जल द्वारा जल प्रभाव द्वारा मृतिका क्षय होता है जो आम अंगुली आकृति मृतिका क्षय कथा कहले पार्वती अंचल मान जो पहाड़िया अंचल मान जो सब थाए गड़ी अंचल थाए से सब अंचल मानक एक प्रकार अंगुली आकृति धारण कै तेणु यू मानने जो नाल सब होता है पहाड़िया अंचल मानक जो बृष्टि जल प्रक्षण हुए बृष्टि जल निष्कासन हुए सेटा को अंगुली आकृतिर मृतिका क्षय बोली कहुए धारा क्षय बोली कहुए गर्त क्षय द्वारा दुर्गम भूमि बैडलैंड नदी क्षय तो उच्चावच भूमि रिवाइन लैंड मान सृष्टि होता है पंजाब और हरियाणा यह चोस बोली कहुए मध्यप्रदेश राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल उपत्य यही प्रकार दुर्गम भूमि मान सब देखा मिलता है गर्त क्षय अंगुली आकृतिर मृतिका क्षय पृष्ठ मृतिका साधारण भाव प्रत्येक स्थान में क्षय हुए एमती तीन प्रकार मृतिका क्षय होता है पृष्ठ मृतिका क्षय साधारण भाव जो है अंगुली आकृति धरा क्षय होता है रेल एरिसन आउ गली एरिसन बा गर्त क्षय सो समुद्र जुआर जो तरंग द्वारा उपकूलवर्ती समतल अंचल मानक मृतिका क्षय होता है समुद्र जुआर सामुद्रिक स्रोतर प्रभाव में प्रत्येक दिन जुआर भटा आसी था दु थर लेखाए जुआर आसी था भटा फेरी था तेणु जुआर एवं भटारे मृतिका आड़ी जो समुद्र उपकूलवर्ती अंचल से किसी क्षय कर सी तार मध्यस्थल गर्व को नहीं जाए तेणु एथिका क्षय मान देखा मिली थापर देखिए के अंचल मानकशा केरल हाँ जेते गुड़े उपकूलवर्ती अंचल अच्छे मुझे भावुची आमर जो त्रिभुजाकार पूरा लंबी रही उपद्वीपीय अंचल जेते गुड़े सब अंचल अच्छी गुजरात ठार आरंभ कर गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा केरला तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना किंबा ओडिशा पश्चिम बंग यही सब अंचल मानक ये प्रकार मृतिका क्षय समुद्र जुआर जो मृतिका क्षय निश्चित भाव होता है जहाँ को बेलाभूमि क्षय बीच एरिसन कहुपे भारत में राजस्थान में सर्वाधिक मृतिका क्षय होता है कहीं जोटा कि आम कही बालुका क्षय बा पवन द्वारा होता है सेपर मध्यप्रदेश महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश गुजरात तेलंगाना आंध्र प्रदेश और कर्णाटक अधिक मात्रा में मृतिका क्षय देखा मिलता है अरुणाचल प्रदेश और पंजाब में सब कम मृतिका क्षय होता है कहीं अरुणाचल प्रदेश संपूर्ण रूप से जो घंच चिरहरित अरण्य परिपूर्ण पंजाब हूँ कौन ना कृषि क्षेत्रीय वनीकरण बा सब सघन प्रणाली कृषि कार्य होता है तेणु ये दुईट अंचल मानक पंजाब में गच अधिक ना कि बड़ बड़ गच नए जंगल न थे कि पर्याप्त परिमाण में सेठे कृषि कृषि कार्य होता है घास सब बिछे रही था तेणु से अंचल मृतिका क्षय कम होता है सो ओडिशा रे मध्य
मध्यम धरणर मृत्ति आख्य देखा मिले एठार मध्यम धरणर वृष्टिपात गछ भी मध्यम धरणर अर्थात शुष्क मान कौन आर्द्र पर्णमोची अरण्य मध्य देखा जाए कृषि कार्य मध्यम धरणर होता है तेणु सब प्रकार मध्यम यठार देखा मृत्तिका क्षय जो भूमि उर्वरता ह्रास पाई मृत्तिका क्षय हेल्ले भूमिर जो ऊपर उर्वरता से नष्ट फल कृषि कृषिभूमि उत्पादन क्षमता ह्रास पाए मृत्तिकारे खनिज पदार्थ क्रमश कमी कमी जाए भूगर्भ जलर जो जल शीर्षाभिमुखी हवा परिवर्तन निम्नाभिमुखी होता है जहाँ को आम कहते लेयर धीरे 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 खसी खसी जा बन्या व मरुड़ी प्रकोप वृद्धि पाई थाए विपर्जय मान प्राकृतिक विपर्जय मान देखा मिली थाए पटुमाटी व बाली नदी शज्जार जमा हो शज्जार उच्चता को वृद्धि वृद्धि कराए एवं यह फल देशर व राज्यर प्रगतिर बाधा आसे एवं अपराध व सामाजिक कार्य करने लोक मैंने बाध्य होती कारण पेट पोषा जेको कार्य बाछ अपराधमूलक कार्य करने कुंठाबोध करती तेणु अपराध दिन को दिन वृद्धि पाई चलती सो मृत्तिका संरक्षण विषय में निश्चित भाव में जानवा समस्या मान समाधान संबंध में जदि आम अवगत होगा चाहिए दुई प्रकार पदक्षेप आम नहीं पार मृत्तिका क्षय समस्या को समाधान करने गोटे बृहत् पदक्षेप आ गए क्षुद्र पदक्षेप बृहत् पदक्षेप साधारण सरकार मान सरकार द्वारा ग्रहण करा बेले क्षुद्र पदक्षेप आम मान द्वारा भारत प्रत्येक नागरिक मानकर धर्म को आख्या कर रखिक कार्य कले निश्चित भाव में से प्रकार पदक्षेप मृत्तिका क्षय जनित समस्या को समाधान कर तेणु देख विज्ञतार सहित कौन संबल सुविनियोग करने मूलर संबल विषय कह तो ये प्रक्रिया को संबल संरक्षण कहुए बोली आम आगे जानते विज्ञतार सहित संबल सुविनियोग मृत्तिका एक बृहत् संबल आमर अत्यावश्यक सामग्री कारण एमें खाद्य वस्त्र बासगृह पर मौलिक आवश्यकता पाँच तेणु यहाँद्वारा संबल वर्तमान जनसाधारण चाहिदा पूरण करने संगे संगे भविष्य वंशधर गचित हो रही पारे जदि आम संरक्षण कर रखा जदि यार संबंध में चिंता करवा पदक्षेप मान योजनाबद्ध भाव ग्रहण करवा ये भविष्य रहीपर संबल संचित हो रहीद्वारा से निजर खाद्य भाव जनित समस्या को दूर करेंगे से निजर बासगृह वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता को पूरण करेंगे तो मृत्तिका संबल एक क्षयशील संबल है एक नवीकरण योग्य संबल कारण उर्वरता ह्रास पाइले विभिन्न प्रकार सार रासायनिक सार हो कि जैविक सार हो सार प्रयोग कर यार उर्वरता को पुनर्बार वृद्धि कराए उत्पादन क्षम कर मात्र पृष्ठमृष्टिका संपूर्ण क्षय हो गले प्राथमिक शिलार मृत्तिका पुणी सृष्टि होगा निश्चित भाव कष्टसाध्य व्यापार कारण तुम्हें मृत्तिकार पार्श्वच्छेद को उपलब्धि कर प्राथमिक शिलार मृत्तिकार स्तर सृष्टि होगापत नियुत वर्ष समय लगी था कारण गोटे सेंटीमीटर बहल मृत्तिका सृष्टि होगापी शह शह वर्ष समय लगुच दुई सेंटीमीटर बहल मृत्तिका सृष्टि होगापी हजार हजार वर्ष समय लगुच तेणु ये जो स्तर सृष्टि अच्छी मृत्तिकार ताद वर्ष होमान तेणु पिलाए यही गुरुत्वपूर्ण संबल संरक्षण प्रति आम यथेष जत्नवान होगा एक आवश्यक से मुझे दु प्रकार पदक्षेप नवा प्रथम पदक्षेप है कौन क्षुद्र पदक्षेप एटा स्थानीय व्यक्तिगत स्तर लोक मानते निर्भर करे एवं आउ गोटे पदक्षेप है बृहत् पदक्षेप जहाँकि केवल सरकारी स्तर में करण यह खूब व्ययबहु तेणु देखा प्रथम देखा क्षुद्र पदक्षेप क्षुद्र पदक्षेप कौन पतित भूमि पुनः वनीकरण करवा जो भूमि पड़ी रही से भूमि पुनः वनीकरण करवा अर्थात कृषि कार्य करी रही कि प्राकृतिक उपाय नमें मनुष्य जत्नशीलतार सहित आम अरण्य सृष्टि पार्वत्यर ढालू रैकिक कर्षण करषि कार्य कर क्षयरोधकारी शक्ति बा तृण बुदा इत्यादि वृक्ष रोपण करवा सत्त उद्भिद सत्त काठ विशिष्ट उद्भिद रोपण करवा अद्यावधि पशुचारण को नियंत्रण करवा वर्तमान पर्यंत जहाँ वर्तमान पर्यंत आम जहाँ भाभी जहाँ चली जाइए फेरी पाइबानी कि
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଚେତନଶୀଳ ହେବା ପଶୁଚାରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ପଶୁକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଆଣି ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଘାସ କାଟିକି ଯୋଗାଇ ଦେବା ବା ଚଳାଇବା, ଯେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ସହକାର ଚଳାଇବା ତେବେ ଆମେ ମୃତ୍ତିକାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇପାରିବା। ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଏକ ଆବାସ ବଳୟ ବା ସେଣ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ଗଠନ କରିବା। ବାୟୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଯେଉଁ ଓସନ୍ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇକି ବାୟୁ ମାନେ କ'ଣ ଜଳସ୍ରୋତ ଆସୁଛି ବା ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଆସୁଛି, ହଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ୍ ବା ୱିଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ବୁଲବୁଲ ମହାବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ କରି ମହାବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଏବେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ତିତିଲି ଫିତିଲି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ବା ଜାଣିଛ, ହଁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେଲ୍ଟର ବେଲ୍ଟ ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳୟ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଆବାସ ବଳୟ କୁହାଯାଏ ତାହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଚାରିଆଡ଼େ ବି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ତାହା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି ବା ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା, ଆମେ ସଚେତନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଚେତନଶୀଳ କରାଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ରଖାଯାଇପାରିବ, ରୋକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସଫା କରିକି ତାଙ୍କ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଜାଳ କାଠ ଡାଳ କାଟିକି ସେମାନେ ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଦ୍ୟ କରିପାରିବେ ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠାରେ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସେଥିରେ ପକାଇକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା କେବଳ ସଚେତନତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉ, ଆମେ ଏହାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ ପଳାଇବା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ, କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟରେ କେତେକ ବୃହତ୍ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁର୍ଗମ ଭୂମି ଓ ନଦୀ କ୍ଷୟିତ ଭୂମିକୁ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପୁନଃବନୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ପଶୁଚାରଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଭଳି ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବା, ଜଳ ଯେଉଁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ରୋକିପାରିବା, ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବନ୍ଧ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନଦୀ ସଂଯୋଗ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଆମର ନଦୀବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ, ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଭୂମିର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ବୃହତ୍ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟତଃ 15-16 ଜଣ 17 ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ତିଆରି କରିବ, ଆଉ ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।